और अगर तू ऐसा करेगा तो माँ बहन तुम्हारे अगर कोई अदावत भी होगी तो वो ऐसी दोस्ती से बदल जाएगी कि गोया वो शख्स एक दोस्त भी है और रिश्तेदार भी। और फरमाया वला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता, अल-हुजुरात आयत नंबर 13। ला यस्सर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, अल-हुजुरात आयत 12। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल-हुजुरात आयत 14। वला तनाबजू बिल अलकाब देसल इस्मुल फुसूको बादल ईमान, अल-हुजुरात आयत 12। वजतनिबु रिज्जा मिन अल-औसाने वजतनिबु कौल अज़्ज़ूर, अल-हज आयत 31। वकूलू कौलन सदीदा, अल-अहज़ाब आयत 71। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, आले इमरान आयत नंबर 104। यानी चाहिए कि एक तुम्हारा दूसरे का गिला मत करे। क्या तुम पसंद करते हो कि मुर्दे भाई का गोश्त खाओ? और चाहिए कि एक कौम दूसरी कौम पर हंसी न करे कि हमारी ऊंची जात और उनकी कम है। मुमकिन है कि वो तुमसे बेहतर हों, और खुदा के नजदीक तो ज्यादा बुजुर्ग वही है जो ज्यादा नेकी और परहेजगारी से हिस्सा लेता है। और खुदा के नजदीक तो ज्यादा बुजुर्ग वही है जो ज्यादा नेकी और परहेजगारी से हिस्सा लेता है। कौमों का तफरीका कुछ चीज नहीं है। और तुम बुरे नामों से जिनसे लोग चिढ़ते हैं या अपनी हतक समझते हैं उनको मत पुकारो, वरना खुदा के नजदीक तुम्हारा नाम बदकार होगा। और बुतों से और झूठ से परहेज करो कि ये दोनों नापाक हैं। और जब बात करो तो हिकमत और माकूलियत से करो और लगव गोई से बचो। और चाहिए कि तुम्हारे तमाम आज़ा और तमाम कुव्वतें खुदा की ताबे हों, और तुम सब एक होकर उसकी इताअत में लगो। और फिर एक मकाम में फरमाया अल्हाकुम उत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा आयनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अत्तकासुर आयत 2-9। ऐ वे लोगो जो खुदा से गाफिल हो, दुनिया तलबी ने तुम्हें गाफिल किया, यहां तक कि तुम कब्रों में दाखिल हो जाते हो और गफलत से बाज नहीं आते। ये तुम्हारी गलती है और अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। फिर मैं कहता हूं कि अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। अगर तुम्हें यकीनी इल्म हासिल हो जाए तो तुम इल्म के जरिया से सोच करके अपने जहन्नम को देख लो, और तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी जिंदगी जहन्नमी है। फिर अगर इससे बढ़कर तुम्हें मारिफत हो जाए तो तुम यकीन कामिल की आंख से देख लो कि तुम्हारी जिंदगी जहन्नमी है। फिर वो वक्त भी आता है कि तुम जहन्नम में डाले जाओगे और हर एक अय्याशी और बेतदाली से पूछे जाओगे, यानी अजाब में माफूज होकर हक्कुल यकीन तक पहुंच जाओगे। इन आयात में इस बात की तरफ इशारा है कि यकीन तीन किस्म का होता है। एक ये कि महज इल्म और क्यास से हासिल होता है, जैसा कि कोई दूर से धुआं देखे और क्यास और अकल को दखल देकर समझ ले कि उस जगह जरूर आग होगी। और फिर दूसरी किस्म यकीन की ये है कि उस आग को अपनी आंखों से देख ले। फिर तीसरी किस्म यकीन की ये है कि मसलन उस आग में हाथ डाल दे और उसकी कुव्वत एहतराज से मजा चख ले। बस ये तीन किस्में हुई, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन। इस आयत में खुदा ताला ने समझाया कि तमाम राहत इंसान की खुदा ताला के कुर्ब और मोहब्बत में है, और जब उससे इलाका तोड़कर दुनिया की तरफ झुके तो ये जहन्नमी जिंदगी है। और इस जहन्नमी जिंदगी पर आखिरकार हर एक शख्स इत्तला पा लेता है। और अगरचे उस वक्त इत्तला पावे जबकि एक दफा मालो मता
और दुनिया के ताल्लुकात को छोड़कर मरने लगे। और फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, वले मन खाफा मकामा रब्बे ही जन्नतान अर्रहमान आयत 47। यानी जो शख्स खुदा ताला के मकाम और इज्जत का पास करके और इस बात से डर कर कि एक दिन खुदा के हुजूर में पूछा जाएगा गुनाह को छोड़ता है, उसको दो बहिश्त अता होंगे। अव्वल इसी दुनिया में बहिश्ती जिंदगी उसको अता की जाएगी और एक पाक तब्दीली उसमें पैदा हो जाएगी और खुदा उसका मुतवल्ली और मुतकफिल होगा। दूसरे मरने के बाद जावेदानी बहिश्त उसको अता किया जाएगा, ये इसलिए कि वो खुदा से डरा और उसको दुनिया पर और नफसानी जज्बात पर मुकदम कर लिया। फिर एक और जगह कुरान शरीफ में फरमाता है, इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासिला व अगलालम व सईरा इन्नल अब्रारा यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा ऐन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा अद्दहर आयत 5 तथा व युस्कौना फीहा कासन काना मिजाजुहा जंजबीला ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला अद्दहर आयत 18-19। यानी हमने काफिरों के लिए जो हमारी मोहब्बत दिल में नहीं रखते और दुनिया की तरफ झुके हुए हैं जंजीर और तौके गर्दन और दिल के जलने के सामान तैयार कर रखे हैं और दुनिया की मोहब्बत की उनके पैरों में जंजीरें हैं और गर्दनों में तरके खुदा का एक तौक है जिससे सर उठाकर ऊपर को नहीं देख सकते और दुनिया की तरफ झुके जाते हैं और दुनिया की ख्वाहिशों की हर वक्त उनके दिलों में एक जलन है। मगर वो जो नेकोकार हैं वो इसी दुनिया में ऐसा काकूरी शरबत पी रहे हैं जिसमें उनके दिलों में से दुनिया की मोहब्बत ठंडी कर दी है और दुनिया तलबी की प्यास बुझा दी है। काकूरी शरबत का एक चश्मा है जो उनको अता किया जाता है और वो उस चश्मा को फाड़ फाड़ कर नहर की सूरत पर कर देते हैं ता वो नजदीक और दूर के प्यासों को उसमें शरीक कर दें। और जब वो चश्मा नहर की सूरत पर आ जाता है और कुव्वत ईमानी बढ़ जाती है और मोहब्बत इलाही नश्वो नुमा पाने लगती है तब उनको एक और शरबत पिलाया जाता है जो जंजबीली शरबत कहलाता है। यानी पहले तो वो काफूरी शरबत पीते हैं जिसका काम सिर्फ इस कदर है कि दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों पर से ठंडी कर दे, लेकिन बाद इसके वो एक गर्म शरबत के भी मोहताज हैं ता खुदा की मोहब्बत की गर्मी उनमें भड़के। क्योंकि सिर्फ बदी का तर्क करना कमाल नहीं है, बस इसी का नाम जंजबीली शरबत है और इस चश्मा का नाम सलसबील है जिसके माना है खुदा की राह पूछ। और फिर एक मकाम में फरमाया, कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा अश्शम्स आयत 10। यानी नफ्सानी गिरफ्तारियों से वो शख्स निजात पा गया और बहिश्ती जिंदगी का मालिक हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक बना लिया। और नाकाम व नामुराद रहा वो शख्स जिसने अपने नफ्स को जमीन में धंसाया और आसमान की तरफ रुख न किया। और चूंकि ये मकामात सिर्फ इंसानी सही से हासिल नहीं हो सकते, इसलिए जा बजा कुरान शरीफ में दुआ की तरगीब दी है और मुजाहदा की तरफ रगबत दिलाई है। जैसा कि वो फरमाता है, खुद ऊनी अस्तजिब लकुम अल मोमिन आयत 61। यानी दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और फिर फरमाता है, वैजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाए इज़ादान फल यस्तजीबूली वल योमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून अल बकरा आयत 187। यानी अगर मेरे बंदे मेरे वजूद से सवाल करें